दिल्ली की तिहाड़ जेल से बड़ी खबर है। जेल नंबर 3 में गैंग वॉर हुई है। यहां गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई। प्रिंस तेवतिया पर 6 से 7 बार चाकू से हमला हुआ, जबकि गैंग वॉर में 4 कैदी घायल हो गए हैं, जिन्हें DDU में भर्ती कराया गया। द्वारका पुलिस ने प्रिंस तेवतिया को गिरफ्तार किया है। उसी केस में प्रिंस जेल में बंद था। मृतक प्रिंस की पत्नी ने बताया कि 3 बजे फोन पर बात हुई थी, तब तक सब कुछ ठीक था। उसके 3 घंटे बाद मौत की खबर मिली। वहीं प्रिंस की मां ने बड़ी साजिश के तहत बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है और सवाल पूछा है कि आखिर कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में चाकू कैसे पहुंचा। अभी किसी भी गैंगस्टर ने प्रिंस तेवतिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। मैंने पता किया अपने देवर से, तो उन्होंने बोला DDU के लिए। मैं DDU आई तो यहाँ से मैंने पता किया तो वो यहीं से, लेकिन ना मुझे मिलने दिया, ना बात करने दी, ना देखने दी। तो पहले ही डर, मेरे को भी तो इसने बताया है। कितने चाकू बता रही हैं? 7 चाकू मारे हैं उन्होंने। कौन सी जेल में बनते हैं? तिहाड़ में 3 नंबर में। अब मेरी बात हुई थी। क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, बस बोल रहे थे मुलाकात वगैरह पे कपड़े के लिए। और तब तक तो मुझे कुछ नहीं बताया, सब ठीक ही था। 3 बजे के करीब और एकदम से ये चीज सुनने में आ गई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरे तो मुलाकात नहीं हुई, मेरे तो फोन पे बस वैसे बात हुई थी। क्या बात हुई थी? मैं तो उसने बताई है, लड़की ने हमारी, क्या बजान कर मम्मी प्रिंस कैसे कुछ घोप के मार दिया, इसको पता चला होगा, सब फोन आया होगा, उसने बताई है। कब से जेल में कब से बंद थे? न्यूज में ही देखा है, मतलब न्यूज में देखा है, न्यूज बताई ना। जेल में कब से बंद थे? जेल में कब से बंद थे? जेल में तो हो गए 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए हैं। अभी जमानत तो करवा रही थी उसकी, जमानत होने वाली थी उसकी, और साजी थी अपना। ये बताओ चक्कू छुरी जेल में कैसे चली जाएगी? किसने साजिश है? किसने साजिश की? और किसकी साजिश? और क्या मिली भगत थी? जब एक कपड़ा खाना तुम चेक कर करके अंदर जाने थे, तो चक्कू छुरी कैसे अंदर चली गई, ये बताओ।